समर्थन बहुत ही जबरदस्त है और आज मैं समझता हूँ कि कल से वैसे हमारी रतिया से रैली की शुरुआत हुई थी। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री साहब वहाँ पर पहुँचे। आज पूरा दिन मनोहर लाल जी ने दिया और निश्चित तौर पर उसे एक नई ताकत पूरी पार्टी को भी मिली, पूरे इलाके की और हरियाणा की 10 साल सेवा करी है और आते आते वो मुझे भी साथ लिया है और हमारे बड़े भाई गोपाल जी को भी। तो रोहतक आए हैं और रोहतक से अब कल फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो लगातार चाहे वो मनोहर लाल जी की रैलियाँ हों, उनके कार्यक्रम हो, वो हमारे यहाँ भी चल रहे हो पूरे हरियाणा में। और मुझे पूरा यकीन है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम पहले से कहीं ज्यादा मार्जिन के साथ जीतेंगे। गुप्ते नहीं, बस कई बार मेल मिलाप और सारी आगे की रणनीति की चर्चा हो जाए, कैसे परिणाम इस चुनाव में बेहतर हो, कैसे आगे का वो हो, तो सारे बहुत मैं समझता हूँ कि प्यार प्रेम सौहार्द के माहौल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो लंबे समय तक दूसरे जो इंडिया अलायंस है उनके साथ भी काम करके देखा है कि दूर दूर तक ना तो उनकी कार्यशैली, ना उनका नेतृत्व, ना उनकी नीयत, ना उनकी विचारधारा और ना उनका दृढ़ संकल्प, वो कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मैं तो सभी हरियाणा और पूरे देशवासियों से यही आह्वान करूंगा कि पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और कमल खिला करके कम से कम 5-5, 10-10 लाख वोटों के अंतर से इस बार हरियाणा से सांसद जिताइए। जैसे पिछली बार टॉप 3 में हमारे 2 सांसद जीत करके आए थे, इस बार मुझे लगता है कि हमारे जो 10 सांसद जीतेंगे वो टॉप 10 में 10 के 10 भी हो सकते हैं, ऐसा माहौल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आया है तो कहीं ना कहीं कुमारी सरदार का नाम चल रहा है, कितना मुकाबला मानते हैं? देखिए, यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई असर है। जहाँ 10 वर्षों में बड़े बड़े काम हुए हो, राम मंदिर का निर्माण हो गया, हमारे CA लागू हो गया, धारा 370 खत्म हो गई, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, लाखों करोड़ रुपए के एक एक शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, और मोदी जी का जो संकल्प है भी कि विकसित भारत बनाना है, औरों ने तो ये सपना देखा नहीं ना उसके ऊपर काम किया, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में बनानी है, तो उस संकल्प के साथ ही अब कोई व्यक्ति कोई भी आ जाए, मैंने बताया कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा वो मार्जिन 10-10 लाख तक जा सकता। अच्छा सर, टिकट बदलने की बात चल रही है और वहां विरोध हो रहे हैं जो 4 टिकटों की बात चल रही देखिए, है, आप भी को शामिल हो सकते नहीं, वो उसका जवाब तो कल नायब सैनी जी ने भी दे दिया और मनोहर लाल जी ने भी दे दिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ साथियों की जो बातें थी वो कल 150-200 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो जब क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू नहीं हुआ था उस समय का कुछ मुआवजा था, कुछ बातों को लेकर के, और ये लंबा चर्चा चल रही है। जितना किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रदेश की सरकार ने किया, वो अभूतपूर्व है और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, 36 बिरादरी को एकजुट होकर के मोदी जी के साथ चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। देखिए, अपना अपना, मैंने बताया कुछ मुआवजे का मामला था, कुछ और बातें हैं चल रहा है, ये तो जो पुराने मुद्दे हैं, अगर कोई भलाई कर, गुमराह तो कोई भी कर सकता पार्टी है। के नेता लोग भी हैं, किसान नहीं है। प्रायोजित कार्यक्रम में डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।